कैसा लगा दोस्तों? यार अपने को चलना है सीधा घर, जोर से बोल। हाय एवरीवन, जोर से बोल। हाय एवरीवन, और ऋषि काट देना इसे। चुप कर। बाय बाय बाय। टाइम क्या हो रहा है? भगवान, 11:47 डोरा का इंजन थोड़ा हीटअप हो रहा है। डोरे गर्म हो रही है पापे। ओके सो अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। एंड बस आप सड़क पे मिलते हैं आपसे। हरबतपुर बेसिकली इंटरसेक्शन है पोटा साइड जाने वाले लोगों के लिए भी, और क्या बोलते हैं, अगर आप इधर से चंडीगढ़ जा रहे हो तो भी हरबतपुर आता है देहरादून से जाने में। तो हरबतपुर पहुंच गए हैं हम, एंड हरबतपुर सही टाइम में पहुंच गए यार, आधे घंटे में यहाँ पे 35 मिनट्स में हम लोग पहुँच गए हरबतपुर। तो हरबतपुर से विकास नगर के लिए तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, या मतलब ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, 7-8 मिनट लगते हैं, क्योंकि 5-6 किलोमीटर है। तो अब हम जा रहे हैं विकास नगर की तरफ। तो और विकास नगर राइट कट जाएगा पोटा साहिब, सीधे से भी निकलता है रास्ता बैराज होके, एंड लेफ्ट से भी निकलता है रास्ता शिमला बाईपास। तो या दिस वाज इट, यही था इस तक का व्यू इसका, हरतपुर का तो पूरा ग्लिम्स। बाकी अपने को जाना है राइट, तो गाड़ी तो नहीं आ रही थी पीछे, अपन जाएंगे राइट। बहुत ज़्यादा जुड़ी है यार इस चौराहे से, जहाँ पे ना एक छोले भटूरे वाले ना भैया होते थे, वो ठेली लगाते थे, एंड बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा छोला भटूरे बनाते थे। अब मम्मी से पूछते हैं कहाँ आना है। तो यार अपने को चलना है सीधा घर, फिलहाल मम्मी घर पर है, एंड मम्मी से मिलके फिर हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पर जहाँ पर हमको जाना है, और आपको दिखाते हैं कि मैं किस जगह की बात कर रहा था। और क्योंकि विकास नगर भी देहरादून ही क्षेत्र में आता है, लाइक देहरादून डिस्ट्रिक्ट है विकास नगर का, तो देहरादून की तरफ से ही हुआ अनहिडन प्लेस, हिडन प्लेसेस ऑफ देहरादून, तो इसलिए मैंने टाइटल रखा है तो कुछ मिलता जुलता। तो आपको बताना आपको टाइटल कैसा लगा। कोई क्लिकबेट नहीं है दोस्तों। ये कोई क्लिकबेट नहीं है दोस्तों, मैं बच चुका हूँ मतलब। ओ तेरा के फैमिली वॉन्ट्स टू नो, बहुत बेकार था। चलो ठीक है, तो अभी अपन आगे। निकल चुके हैं अब आपको घुमाने विकास नगर, और हम जा रहे हैं डाक पत्थर। ये था मेरा स्कूल जब मैं छोटा होता था, 6th क्लास तक मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, 5th तक मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। और इधर हम लोग आते थे गेड़ी मारने, ये हमारी होती थी गेड़ी वाली रोड, तो यहाँ पे हम साइकिल चलाते थे, गेड़ी मारते थे। अरे यार टाइम था। बस अभी तो यही है, बाकी आप बताते रहिए आपको कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स। यहाँ की खासियत आपको बताते हैं, यहाँ एक जना हेलमेट नहीं डालता है, एक जना भी हेलमेट नहीं डालेगा।
इस रोड पे एक जना हेलमेट नहीं डालता, क्योंकि इस रोड पे चेकिंग नहीं होती, मेन रोड पे कभी कभार हो जाती है। तो हम आपको घुमाते हैं विकास नगर का छोटा मोटा सा मार्केट, जो हमारे लिए एक टाइम पे बहुत बड़ा होता था, हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मार्केट विकास नगर का। तो यहाँ पे ना एक लाल दरवाज़ा होता था, पता नहीं अब वो भैया ने शॉप अभी भी है कि बंद हो गई। तो उस लाल दरवाजे में हमें पटाखे वटाखे मिलते थे, दिवाली के बाद भी रखते थे वो पटाखे। तो पता नहीं क्या ही वाइब थी, क्या ही हाइप थी उनकी, कि चल लाल दरवाजे चलना है, लाल दरवाजे। तो मैं अपने घर से यहाँ तक आता था तो लाल दरवाजे उससे कुछ खरीदने, कुछ भी वो खरीदना कुछ भी हो सकता था। तो इस गली, अबे अरे भगवान जी, स्पीड ब्रेकर कैसे भूल सकता हूँ मैं, कुछ नहीं बदला यार, बस लोग बूढ़े हो गए हैं और हम जवान। ये मेरे दोस्त का घर था, ये यहाँ पे घर बन गया, पिक्चर हॉल हुआ करता था। कितना बदल, थोड़ा तो बदला है, थोड़ा बहुत तो बदला है कि सिनेमा गली, हमारी सिनेमा गली। इस मार्केट में आराम से चलना चाहिए, बिकॉज लोग ऐसे ऐसे डायगनली क्रॉस कर जाते हैं आपको। सो यहाँ पे तो आखिर आप चक्रौता भी जा रहे हो, तो यहाँ आराम से चलना, क्योंकि यहाँ पे नहीं देखता कोई। ये है अस्पताल रोड हमारे विकास नगर की, ये सरकारी अस्पताल हो जाती है, अस्पताल अस्पताल। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बाकी तो यार और कुछ दिखाने लायक यहाँ पे, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। तो आपसे सीधे मिलते हैं लोकेशन पर, तो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डाक पत्थर वाले मोड़ पर, डाक पत्थर रोड कहते हैं इसको, क्योंकि जो जगह है वो है बैराज। एंड डाक पत्थर का बैराज बहुत से लोगों ने नहीं देखा होता, बिकॉज लोग सब ढालीपुर का बैराज घूमते हैं, बिकॉज वहाँ से ही पौटा साहिब के लिए भी रास्ता कट जाता है, हिमाचल के बॉर्डर टच हो जाती है, और मेन रोड वो ही है। तो यहाँ पे मेन रोड तो नहीं है, हिमाचल की बॉर्डर नहीं टच होती, और सॉरी हिमाचल की बॉर्डर टच होती है, बट वो मेन स्ट्रीम रोड नहीं है कि वो मेन रोड ही हो। तो पतली सी सकरी सी सड़क थी वो, आपको पता नहीं अब बढ़ गई होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो आपको वही दिखाते हैं। एंड थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए, बहुत प्यार आ रहा है आपकी तरफ से, एंड थैंक यू, इसको बढ़ाते रहेंगे अपन। जो भी कमी हो आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी नीचे आ रही होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड आप मुझे मेरी मिस्टेक्स बताएं तो ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें एंड ब्लॉग पॉलिश कर सकें। यार एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चैनल, इट्स आवर चैनल, तो वी आर अ टीम। अभी मतलब मैं सिर्फ आप लोग को नाम के लिए फैमिली नहीं बोलता, यू गाइस आर माय फैमिली, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये बैराज एरिया है एंड यहाँ पे ड्रोन तो नहीं उड़ा सकते हम, तो इसलिए आपको ये वाली फुटेज नहीं दिखा पाऊंगा मैं, बट एटलीस्ट वो भी हम इंजॉय कर सकते हैं हर व्यू को। ये है हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर, सो दिस इज हिमाचल प्रदेश, और जहाँ से हमने एंटर किया वो उत्तराखंड था। एंड भाई साहब भी आ गए, सो आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पूछ लेते हैं एक बारी, पूछने में फायदा है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, एक बारी इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। अरे भैया यार मैंने ना ड्रोन उड़ाना था, यहाँ तो बैराज एरिया है तो उड़ा नहीं सकते है ना, तो यहाँ से अगर मैं, ये भी हिमाचल प्रदेश में आता है ना, तो अगर यहाँ से मैं 3 किलोमीटर आगे जाऊँ और ड्रोन एरिया, मतलब मुझे एक्चुअली ये बैराज ही नहीं चाहिए, मतलब
नदी की थोड़ा कैप्चर करना चाहता था मैं फोटो ना। आपको इसके लिए ना इधर से जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर जाऊँ यहाँ से? लगभग लगभग कितना चला जाऊँ? 2-3 चला जाऊँ? 3 किलोमीटर चला जाऊँ? मतलब ना ये एरिया नहीं आ रहा फिर उसमें ना। हाँ ये नहीं आएगा यार, देखो ऐसे मतलब पुलिस की ना इमेज बन रखती है कि पुलिस बेकार है, पुलिस पुलिस डांट मतलब पुलिस मतलब गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। यार कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो हर जगह मिलेंगे आपको, किसी कंट्री चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ। बट द थिंग इज़ कि आपको पेशेंस रहना है, आपको पेशेंस के साथ टैकल करनी है चीज़ें, क्योंकि अगर आप टैकल कर रहे हो तो ही आप एक मतलब एक रोज पे एक पॉइंट पे पहुंच सकते हो, है ना। बाकी यार खूबसूरती देखो और हमारे जवानों को सल्यूट। अगर इनको थोड़ा भी एंटरटेन कर पाए हम तो बहुत बड़ी बात है ना। मैंने पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि GoPro जो हमारा है वो भैया कब रिकॉर्डिंग करता है कब नहीं करता हमको नहीं पता। हमको नहीं पता ये कर रहा है भाई, कर रहा है। ओ सॉरी सॉरी GoPro भैया, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम तो कोई और GoPro के बारे में बात कर रहे थे। अभी हमें एक बच्चा मिला, हमने उसे बोला भाई साहब रेस लगाए साइकिल पर, तो कहता नहीं। ही वॉज ह्यूमरस, ही वॉज वेरी गुड। रेस वेस नहीं लगानी चाहिए, देखो बच्चे को ही पता है। अरे बाप रे मिट्टी देख रहे भाइयों, भाइयों क्यों बोलता हूँ यार मैं, लेडीज़ जो देखती है हमारे चैनल। अच्छा यहाँ की खास बात ये कि यहाँ पे लाल मिट्टी है दोस्तों, तो देखो ये उस वाले पहाड़ों पे ब्राउन मिट्टी है उत्तराखंड में, और यहाँ पे देखो लाल हो जाती है मिट्टी। पता नहीं GoPro में कैसा आ रहा होगा। बाइक गिरी, रपटी 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 रपटी, बाल बाल बचाऊँ मैं रिपटने से, बाल बाल बचाऊँ। आई डोंट नो आपने नोटिस करा कि नहीं करा, बट स्लाइड हुआ था मेरा टायर पिछला भी और अगला भी। बाप रे बाप, यार खांसे कुछ करना पड़ेगा यार, एक हफ्ते से हो रही है मेरे को, पानी पानी पीना पड़ेगा। एक तो यार मेरी खांसी ठीक होती है, फिर पौधलो पौधलो जैसे लोग आ जाते हैं मेरी ज़िंदगी में, फिर ये कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं। मतलब क्यों ही पीनी तुमको कोल्ड ड्रिंक, तुम्हारे दोस्त खांसी हो रही है भाई। हम तुम्हारे साथ पी रहे हैं ना गर्म कॉफ़ी, हम कुछ कह रहे हैं अच्छी नहीं लगी, बिना शुगर के पी रहे हैं ना तुम्हारे साथ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लाचे लाचे था कैपेचिनो, या मुझे कोई आइडिया नहीं ब्रो कॉफी को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मुझे बस पता है 3-4 तरीके की होती है, कैपेचिनो लाटे मौका बस, इसके बाद हमारा हो गया कॉफी के साथ हिसाब किताब। तो अब हमको सीधे मिलेंगे उस पुल पर जिसका व्यू आपने अभी देखा। मुझे लगा ही था यार मम्मी के कोई जान पहचान वाले मिल जाएंगे मुझे। ये सड़क जाती है नदी के साथ साथ एनी मिलती है फिर आगे जाके कालसी में, और कालसी में वही ब्रिज पड़ता है जो मैं बता रहा था, इसके बगल में अशोका का ब्रिज है, अशोका के टाइम का ब्रिज है। तो अगर GoPro में बैटरी रही, GoPro में हमारे सांसें रही, तो हम आपको दिखाते हैं अशोका का ब्रिज। तो हम सीधे मिलते हैं आपको ब्रिज पे दोस्तों। तो हियर आई प्रेजेंट यू गाइस, जब तक है जाम वाला पुल। बताओ यार लगता है नहीं लगता उससे उस पुल की तरह है कुछ कुछ? जब मैंने पहली बार पुल को देखा था मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि लगता है या नहीं लगता। मतलब लगता है कि लगता है। चलो यहाँ पे चेक पोस्ट पर जो पुलिस वाले भाई साहब हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं कि हमको ड्रोन उड़ाने की परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट गाइस टेल मी दिस थिंग, ये देखो यार मतलब क्या की सड़क है। तो अब हम फिर एंटर हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में, एंड जस्ट सी द व्यू मतलब नेक्स्ट लेवल गाइस। तो आप बताओ यार आपको कैसा लग रहा है ये? मैं तो बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, बहुत सालों बाद, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा सालों बाद आ रहा हूँ। चलो बताएं आपको कैसा लग रहा है ये।
कैसा लगा दोस्तों? ये ब्रिज, ये उत्तराखंड बॉर्डर, ये हिमाचल बॉर्डर, एंड ये है ब्रिज। पानी देखो कितना प्योर है यार, कितना साफ पानी है, प्योर वाटर। अपने को बहुत टाइम लग गया है, अब हमें जाना है सीधा घर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना। तो ये कुछ मैंने आपको नया दिखाया, कुछ अलग दिखाने की कोशिश करी है, थोड़ा मेन स्ट्रीम से हट के, बिकॉज शिमला कसौल सब लोग गए हैं। कसौल तो लोग नहीं गए, बट कसौल भी, हाँ आपको व्लॉग्स मिल जाएंगे कसौल के, तो बताएं। एंड टाइम हो चुका है और 4:37, अब निकल रहा हूँ सीधा घर।